प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज की व्याख्यान चर्चा में एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर वन के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग से निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। आज का विषय मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, जिस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय एमएससी केमिस्ट्री के सेमेस्टर वन से लिया गया है। उक्त विषय भौतिक रसायन विषय से प्रश्न पत्र तृतीय से इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। पुनः आज का उक्त विषय एमएससी केमिस्ट्री से प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई तृतीय से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है ये दो भागों में विभाजित है। पहला वाला है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत और इसका अगला वाला जो भाग है वह है अभिक्रिया वेग को निर्धारित प्रदर्शित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। आज हम इसका पहला वाला जो भाग है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत, उस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विगत रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए उक्त विषय पर हम इसका कुछ भाग विगत रासायनिक पिछले रासायनिक गतिकी के वीडियो पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए इसके अगले वाले भाग को आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, लेकिन पूर्ववर्ती रासायनिक गतिकी के उस भाग पर अपना पुनः व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, उसको दोहराएंगे, जिसमें हमने रासायनिक गतिकी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। रासायनिक गतिकी ये कौन सी शाखा होती है और भौतिक रसायन में और रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका क्या योगदान होता है, क्या उपयोगिता होती है, इसको सबसे पहले हम इस तरह से सुपरिभाषित करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है, रासायनिक विज्ञान में कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती है, जिनमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ सरल प्रकृति की होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ जटिल प्रकृति की होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है धीमी गति से संपन्न होती है, कुछ ऐसी भी जटिलतम रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। एक पद धीमी गति से संपन्न होता है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये अन्य पद जो होते हैं वो तीव्र गति से संपन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में जो पद धीमी गति से संपन्न होता है वह पद वेग निर्धारक पद होता है और अभिक्रिया की कोटि को सुनिश्चित करता है, सुपरिभाषित करता है। इन तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बलगति के ए हमें उस क्रियाकारक और क्रियाफलों के निर्माण में, उत्पादों के निर्माण में, संरचनाओं के निर्माण में, क्रियाविधि के निर्माण में, सांद्रताओं सामे के समय के सापेक्ष परिवर्तन में हमें एक महत्वपूर्ण उपयोगिता, एक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। तो आइए रासायनिक गतिकी की उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में क्या भूमिका होती है, तो अब बारी आती है रासायनिक गतिकी को सुपरिभाषित करने की। रासायनिक गतिकी भौतिक रसायन में वह महत्वपूर्ण शाखा होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन, संरचनाओं, क्रियाविधि, अभिक्रिया वेगों, अभिक्रिया दरों, इन तमाम राशियों को संबंधित हमें जो है अध्ययन करवाती है। इन तमाम समस्त राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण शाखा भौतिक रसायन की रासायनिक गतिकी कहलाती है। इस तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं में हर पद का, हर राशि का रासायनिक गतिकी के संदर्भ में, क्रियाविधि के संदर्भ में, बलगतिकी के संदर्भ में एक खास और अहम योगदान होता है। रासायनिक गतिकी उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय शर्त के आधार पर
रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में हमें खास अहम योगदान प्रदान करती हैं। पहला वाला जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है। विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए उक्त व्याख्यान में हमने इसे परिभाषित किया था कि माना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो ए और बी आपस में क्रिया करके सी और डी जो है किसी भी उत्पाद अथवा क्रियाफल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ए और बी जो है क्रियाकारक को दर्शाते हैं और सी और डी जो है उत्पाद को दर्शाते हैं। इसको समीकरण नंबर एक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होने के उपरांत आप देखें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफलों का जब निर्माण करते हैं, ऐसी स्थिति में जो है ए और बी जो है क्रियाकारक जो है इनकी सांद्रताओं में जो है कमी प्रेक्षित की जाती है और कमी प्रेक्षित करने के उपरांत आप देखेंगे सी और डी की जो सांद्रता है उसमें उत्तरोत्तर जो है वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। अब बारी आती है हमारे पास में कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है ये एक साधारण जो वेग हमारे पास में जो राशि उससे किस प्रकार से भिन्नता दर्शाता है। इन तमाम रासायनिक बलगतिकी के मूलभूत सिद्धांत में इनके परिचय में हमें यही बताया गया है कि सबसे पहले उक्त विषय को अग्रसित करने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर लें कि रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे इस वाले जो अभिक्रिया में जो रासायनिक गतिकी में अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अणुसंख्यकता क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसके अलावा जो अभिक्रिया वेग की विमाएँ क्या होती है, मात्र क्या होता है, इन तमाम इससे जुड़े हुए विभिन्न कोटि के जो वेग स्थिरांक होते हैं, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक, तृतीय कोटि का, शून्य कोटि का, छद्म कोटि के वेग स्थिरांक, इस किस प्रकार से परस्पर आपस में जो है संबंधता जो है प्रिय विद्यार्थियों आपस में दर्शाते हैं यही परिचय में जो है शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बारी आती है अभिक्रिया वेग को सुपरिभाषित करने के लिए। हमने एक रासायनिक अभिक्रिया श्याम पट्ट पर अंकित की है। जैसे जैसे इसमें क्रियाकारक ए के जो है एक मोल लेंगे और देखेंगे अगला वाला जो क्रियाकारक है बी उसका भी एक मोल लेंगे, आपस में क्रिया करके सी और डी बनाते हैं। इसको समीकरण नंबर एक के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। विगत रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो में पुनः मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे जैसे ए और बी जो है आपस में क्रिया करते हैं तो ए और बी आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी की सांद्रताओं में जो कमी प्रेक्षित की जाती है जबकि क्रियाफल सी और डी की सांद्रताओं में जो है वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। अब बारी आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को वेग को ए क्रियाकार ए और बी और क्रियाफल सी और डी के रूप में किस प्रकार से जो है हम इसको सुपरिभाषित करें। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे क्रियाकारकों की सांद्रता या समय परिवर्तन के दौरान या अभिक्रिया की उन्नति के दौरान घटती है। ऐसी स्थिति में गणितीय प्रक्रिया को उपयोग में लाते हुए आप देखेंगे ए की जो है सांद्रता में कमी होगी अतः ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लेंगे और ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लेने के उपरांत में आप देखें गणितीय धारणा अवकलन d/dt ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे और इन तमाम इन रासायनिक अभिक्रियाओं में -dc/dt विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए वेग के संदर्भ में अभिक्रिया वेग के संदर्भ में जो हमने इसका मान परिकलित किया था। अब बारी आती है इसी तरह से जो है कि बी जो हमारे पास में क्रियाकारक है उसके अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या होगा। चूंकि उक्त रासायनिक अभिक्रिया 1:1 में भाग ले रही है तो ऐसी स्थिति में बी की जो बलगतिकी का गतिकी का जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन अभिक्रिया वेग का ठीक वैसे ही होगा जो ए का होगा। यहाँ पर भी आपको जो है ए की जगह पर जो है बी के रूप में जो है आपकी सांद्रता को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें जैसा कि विगत पिछले बलगतिकी से जुड़े पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ए बी सी और डी की जो सांद्रताओं को हमने सांद्रता सी ए सी बी सी सी और सी डी के रूप में हमने अंकित किया था प्रदर्शित किया था। तदनुरूप जो है बी की अभिक्रिया वेग का सूत्र -dc/dt के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आज बारी है कि हमने ए और बी के बारे में अभिक्रिया वेग के सूत्रों को हमने परिकलित किया था, उनका विश्लेषण किया था। अब बारी आती सी और डी की सांद्रताओं को यदि सी सी और सी डी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ऐसी स्थिति में सी और डी का जो अभिक्रिया वेग जो होगा उसका किस रूप में जो है उसका प्रदर्शन करेंगे। मैंने यहाँ पर श्याम पट्ट पर लिखा भी है अभिक्रिया वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग और अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो है अभिक्रिया वेग लिखा है और यहाँ पर दर जो है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया की दर दोनों एक ही होते हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सी का जो अभिक्रिया वेग होगा वो सी का अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आप देखेंगे सी की सांद्रता में वृद्धि, और इसको विभाजित किया जाएगा समय के साथ साथ, क्योंकि किसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो संपन्न होने पर यह रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि क्रियाफल सी और डी की सांद्रताओं में उत्तरोत्तर जो है वृद्धि प्रेक्षित की जाती है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि प्रेक्षित की जाती है ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे धनात्मक चिन्ह को प्रयोग में लेंगे, और हमारे पास में गणितीय जो अवकलन की धारणा को प्रयोग में लेते हुए आप देखेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा धनात्मक, परिवर्तन का हो जाएगा डी बाई डी टी समय के सापेक्ष, और धनात्मक डी प्लस डी सी सी अपॉन डी टी समय का नंबर चार जो है सी का अभिक्रिया का वेग के मान को दर्शाएगा। अब बारी आती है अगले वाली कि क्रियाफल डी के संदर्भ में उत्पाद डी के संदर्भ में अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखा है मैंने डी का रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर वृद्धि हो रही है सांद्रता में डी उत्पाद की क्रियाफल डी की, ऐसी स्थिति में प्लस डी सी डी अपॉन डी टी समीकरण नंबर पाँच के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर जो है सी डी जो है क्रियाफल उत्पाद जो है इसकी सांद्रता सी डी अपॉन डी प्लस डी सी डी अपॉन डी टी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार से संक्षिप्त में क्रियाकारक ए और बी के संदर्भ में रासायनिक अभिक्रिया का वेग माइनस डी सी अपॉन डी टी होगा, और बी के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग माइनस डी सी बी अपॉन डी टी होगा, और सी और डी जो हमारे पास में उत्पाद हैं क्रियाफल है इनके संदर्भ में अभिक्रिया वेग का मान जो होगा वो प्लस डी सी सी अपॉन डी टी और प्लस डी सी डी अपॉन डी टी होगा, क्योंकि क्रियाफलों उत्पादों के संदर्भ में इनके मान जो है धनात्मक प्रक्षित किए जाते हैं, ठीक इसके विपरीत क्रियाकारकों के संदर्भ में इनके मान माइनस डी सी अपॉन डी टी और माइनस डी सी बी अपॉन डी टी, क्योंकि सांद्रता के मान जो है क्रियाकारकों के संदर्भ में समय परिवर्तन के दौरान अभिक्रिया की प्रगति के दौरान जो है घटते हैं, अतः स्वाभाविक ये सी बात है ऋणात्मक मान जो है प्रयोग में लिए जाएंगे। अब बारी आते हैं यहाँ पर जो गतिक वक्र की, जो इसमें जो गतिक जो प्रोफाइल होगा वह कैसे होगा, आप देखेंगे श्याम पट्ट पर मैंने सांद्रता और समय के बीच में जो है जो गतिक जो प्रोफाइल होगा, गतिक प्रोफाइल होगा सांद्रता जो है उसको जो है वाई एक्सिस पर जो है अंकित किया जाएगा, और समय को जो है एक्स एक्सिस पर जो है प्रेक्षित किया जाएगा लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पहला वाला जो इसका गतिक जो प्रोफाइल होगा, प्रारंभिक क्रियाकारकों की सांद्रता को हमारा त्रिविध्यार्थी ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे ये जो गतिक जो वक्र होगा गतिक जो प्रोफाइल होगी उच्चिष्ट बिंदु से प्रारंभ होगा, प्रारंभ में जो है क्रियाफल सी और डी के जो मान है ये न्यूनतम प्रेक्षित किए जाएंगे, अतः निम्निष्ट बिंदु से आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थी यहाँ से ये निम्निष्ट बिंदु से यहाँ से देखेंगे यहाँ से जो है इस क्रियाफल के लिए संदर्भ में निम्निष्ट बिंदु से जो है क्रियाफल का मान जो है यहाँ से प्रारंभ होगा, और आप देखेंगे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है अभिक्रिया जो अग्र दिशा में संपन्न होती है, तो अग्र दिशा में संपन्न होने के उपरांत आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे शनि जो है आप देखें गति क्रम नीचे की ओर जो है विस्थापित होगा, और आप देखेंगे यहाँ से निम्निष्ट बिंदु से क्रियाफल के संदर्भ में उच्चिष्ट बिंदु की ओर विस्थापित होगा, और एक प्रकार की साम्यवस्था स्थापित होगी जो बाद में जाकर के उत्क्रमण ढंग का रूप ले लेते उत्क्रमण व्यवस्था को दर्शाता है, यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी के मान को दर्शाता है। तो अब ये बारी होती है हमारे पास में अभिक्रिया वेग को और वेग के मान को, अभिक्रिया वेग को अलग अलग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रियाकारकों क्रियाफलों के संदर्भ में किस तरह से उनके मानों को प्रदर्शित किया जाता है। अब बारी हमारे पास में अगला वाला आते हैं हमारे पास विमा और मात्रक जो है आर ओ आर रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया वेग की विमा और मात्रक क्या होंगे। तो प्राय विद्यार्थी भ्रम की स्थिति में होते हैं कि वो यद्यपि जो प्राय जो है विद्यार्थी जो है वो उनका जो सोच होता है कि अभिक्रिया वेग की विमा क्या होती है मात्रक क्या होते हैं, तो अभिक्रिया विमा और मात्रक को प्राय जो है दोनों को एक ही राशि समझ बैठते हैं, एक संशय की भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आइए समीकरण नंबर आप देखेंगे यहाँ से आप दो से तीन से चार से और पाँच से मैंने श्याम पट्ट पर लिखा है विमा और मात्रक अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे समय के हो जाएगा। तो सांद्रता बटे समय प्रिय विद्यार्थी विमा को दर्शाता है, और चूंकि अगले आप देखेंगे यहाँ पर सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है और समय को सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी राशि जैसे द्रव्यमान है समय है, तो द्रव्यमान जो है विमा के मान को दर्शाएगा, और इसके जो अलग अलग इसको प्रदर्शित करने के जो अलग अलग जो इसके भाग है अंश है तरीके हैं जैसे ग्राम है किलोग्राम
काम है। तो ये इसके मात्रा को दर्शाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है सांद्रता को जो है मोल प्रति लीटर के रूप में हम इसकी इकाई के रूप में प्रेक्षित करेंगे, और समय जो है उसको सेकंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, मिनट के रूप में भी लिया जा सकता है, आवर के रूप में भी लिया जा सकता है, सप्ताह के रूप में लिया जा सकता है, महीने के रूप में लिया जा सकता है, साल के रूप में लिया जा सकता है। तो आप जो है समय को यहाँ पर किस रूप में जो है उसको अंश के रूप में, भाग के रूप में, उसकी पहचान के रूप में किस रूप में आप ले रहे हैं, वही उसकी जो है मात्रा कहलाएगी। यहाँ पर जो है अब समय को इसको पहचान के रूप में सेकंड के रूप में ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स जो इसकी इकाई होगी। इस प्रकार से परिचय के रूप में आप देखेंगे, मूलभूत सिद्धांत के रूप में अभिक्रिया व्यय का अगला वाला जो है हमारा भाग विमा और मात्रा के रूप में पूरा होता है। आने वाले समय में अभिक्रिया व्यय को प्रदर्शित करने के लिए जटिल कोटि की अभिक्रियाओं के लिए किस तरह से इसके मान परिकृत किए जाते हैं, सूत्र क्या होते हैं, फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।